नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला भारत विभाजन का सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन एक ऐसी बड़ी घटना थी जिसने पहले मुस्लिम सूबों की मांग और फिर अलग देश की मांग को जन्म दिया था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के जरिए एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की थी। एक तो उन्होंने उन बंगालियों को बांटने की कोशिश की थी जो कि आजादी के आंदोलन के लिए बड़ी तत्परता से लड़ रहे थे, सक्रियता से लड़ रहे थे और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ उन्होंने हिंदू मुस्लिम विभाजन के जरिए उनमें दरार पैदा करने की कोशिश भी की और जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। हालांकि 1911 में उन्हें ये विभाजन रद्द करना पड़ा था, लेकिन काम हो चुका था। आज हम अंग्रेजों के इसी विनाशकारी कदम की विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। आपका कार्यक्रम में स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। तो सबसे पहले तो ये कि बंग विभाजन हमारे आजादी के आंदोलन की एक बड़ा माइलस्टोन, बड़ी घटना है जिसने पूरे देश भर में हलचल मचा दी थी। मेरे ख्याल से पहली ऐसी घटना थी 1857 के बाद जिसने पूरे देश को आंदोलित कर दिया था और उसने बहुत सारी चीजों की शुरुआत भी वहीं से हो गई थी। जैसे ये तो है ही, जिसके विभाजन की हम बात कर रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट भी पहली बार शायद इसी समय हुआ था। तो पहले तो मुझे बंग विभाजन की पृष्ठभूमि दर्शकों को समझा दीजिए। जी देखिए, ये भारतीय आजादी का आंदोलन ये क्रमशः विकसित हुआ। जैसे 1885 में कांग्रेस के बनने के बाद एक प्रकार का राष्ट्रवाद विकसित होने लग गया और ये राष्ट्रवाद में समाज के नए तबके थे, कुछ दूसरे लोग भी उसमें जुड़ रहे थे और इसका ज्यादातर केंद्र बंगाल में था। ये जो पूरे राष्ट्रवाद की चेतना का मुख्य केंद्र बंगाल में था और अंग्रेजों ने तो 1857 के बाद ये फैसला कर ही लिया था कि हमको फूट डालो और राज करो की नीति लगाना चाहिए। तो 1904 में लॉर्ड कर्जन जो वाइसराय हैं वो इस बात को सामने रखते हैं कि बंगाल की जो एकता है वो यहाँ के अंग्रेजों के विरोध का एक बहुत बड़ा अड्डा है। कांग्रेस इस बात को मानती है और ये बात सच है। तो अगर हम बंगाल का विभाजन कर दें तो उससे ये जो अंग्रेजों के विरोध का एक बड़ा केंद्र है वो कमज़ोर हो जाएगा। अब उसमें देखिए बंगाल क्या था, उसमें बंगाल में आसाम भी बंगाल में था, इधर से ओडिशा और बिहार भी बंगाल में थे। अब उन्होंने कहा कि ये राज्य बहुत बड़ा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासन की सुविधा के लिए हम इसको दो भाग में बांट देते हैं। अगर उनको वैसे करना होता तो ओरिया स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग बिहार को अलग कर सकते थे ताकि राज्य छोटा हो जाए, पर उन्होंने वो करने के बजाय आसाम और पूर्वी बंगाल को एक तरफ कर दिया जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी और जो इस तरफ का एरिया था उसमें बंगाली कुछ थे, बिहारी थे, ओरिया थे। तो यानी इसमें बंगाली भी माइनॉरिटी में हो गए और जो बंगाली एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी उसका विभाजन हो गया। और सबसे बड़ा जो विभाजन हुआ वो विभाजन हुआ हिंदू और मुसलमान के बीच में, क्योंकि जो पूर्व का बंगाल बना उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी और मुसलमान ज़मींदार भी उसमें बहुत ज़्यादा थे और उनका एक दूसरा आइडिया था कि भाई अभी कलकत्ता जो है ये राष्ट्रवाद के केंद्र के रूप में उभर रहा है, तो राष्ट्रवाद के केंद्र के रूप में उभर रहा है तो इससे कलकत्ता कमज़ोर हो जाएगा और हम उधर से ढाका ऊपर आ जाएगा तो कलकत्ता का जो महत्व है और राष्ट्रवाद जो भारतीय राष्ट्रवाद विकसित हो रहा है उसको कमज़ोर कर दिया जाएगा। अब मुख्य बात यह है कि भले ही इसमें कई मुस्लिम तत्व ऐसे थे जो सांप्रदायिक थे, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग उस समय नहीं बनी थी पर मुस्लिम सांप्रदायिक तत्व थे, उन्हें ये बात ठीक लगी तो उन्होंने उन मुस्लिम तत्वों को छोड़कर पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसका विरोध किया और पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा आप ये जो बंगाल का विभाजन कर रहे हैं ये गलत है। और उसके विरोध में जिस प्रकार की हड़ताल पहली बार हुई और एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई, हड़ताल के साथ साथ लोगों का जो आंदोलन है वो देखने लायक है और उसमें सबसे जो क्रिएटिव अंग्रेजी में कहते हैं
वो था रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना, यानी लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी एकता के सूत्र में बांधने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था जिसमें हिंदू मुसलमान धर्म की सीमाओं को तोड़कर लोग राखी बांध रहे हैं। और तीसरा देखिए, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जो डायरेक्ट रूप से सक्रिय राजनीति में नहीं रहते थे, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया। और बहुत सुंदर बात यह है, इसी दौरान उन्होंने वो गीत लिखा आमार सोनार बांग्लादेश। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि आमार सोनार है बांग्लादेश, आज बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनका एक गीत भारत का राष्ट्रगीत है जनगणमन अधिनायक जय है, और दूसरा आमार सोनार बांग्लादेश। और उन्होंने लिखा किस पृष्ठभूमि में था, लिखा इस पृष्ठभूमि में था कि हमारे बंगाल को अंग्रेजों ने बांट दिया। तो उनका इसमें सामने आना, उनका दर्द और लोगों की जो तकलीफ थी, और वहीं से आपने जो सही बात कही, इसके बाद से जो स्वदेशी आंदोलन था उसने बहुत तीव्रता पकड़ी। और ये आंदोलन इतना तीव्र होता गया और इसमें केवल फिर बंगाल तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश की जो लीडरशिप थी वो इससे जुड़ने लग गई। और उसके कारण अंग्रेजों को ये निर्णय वापस लेना पड़ा 1911 में। और 1911 में एक घटना मैं बता के अपनी बात बंद करूंगा, 1911 की और घटना एक मजेदार है। उस समय जॉर्ज फिफ्थ आए थे, तो कांग्रेस ने उनको धन्यवाद देने के लिए एक अपने अधिवेशन में कि भाई आपने बंग भंग का जो विभाजन को कैंसिल किया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसके लिए उन्होंने उनके लिए गीत गाया था, कोई रामानुज शास्त्री का गीत था। उसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये गीत जनगणमन अधिनायक गाया गया। अब उस समय तो रिपोर्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो रिपोर्ट में आया कि भाई जॉर्ज पंचम की तारीफ में गीत को गाया गया। और फिर आज सांप्रदायिक लोग उसको जोड़ देते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम की तारीफ में जनगणमन को लिखा, जो अपने आप में गलत बात है। ये एक जुड़ी हुई बात है बंग बंग के जो आगे से बात निकलती है, इसीलिए मैंने उसका उल्लेख यहाँ कर दिया। जी जी, तो अब दो तीन चीजें मैं जोड़ना ही चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही बताया कि पश्चिम बंगाल गढ़ था क्रांतिकारी गतिविधियों का, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी, और चूंकि सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगालियों को रिक्रूट किया, उनमें से बहुत सारे विदेश गए, तो एक नई जागरूकता जो आई थी उनमें, रेनेसा जिसको कहते हैं बंगला रेनेसा, पुनर्जागरण, उसने बंगाली समाज को जागरूक बनाया और ये विदेशी सत्ता के खिलाफ उनको तैयार किया मानसिक तौर पर। तो एक जबरदस्त वहां माहौल बना हुआ था, और इसी के साथ साथ बंगाली राष्ट्रवाद भी जन्मा था, बंगाली राष्ट्रीयता भी जन्मी थी। और जब ये बंगाल का विभाजन हुआ तो उनके सामने सबसे बड़ा जो प्रश्न था, सबसे ज्यादा उनको विचलित करने वाली बात ये थी कि बंगालियों को बांटा जा रहा है, और बंगाल जो बंगाली है खासतौर पर हिंदू बंगाली जब इधर हुए तो वो अल्पसंख्यक हो गए, तो उनकी भाषा भी कम लोगों की भाषा हो गई। जाहिर है कि जब बिहार और उड़ीसा के साथ हो गए तो उनकी चिंता अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को लेकर भी थी। तो एक तरफ ये उस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन तो नहीं था, लेकिन बंगाली समाज का अपना एक विरोध था, और जिसमें जो कांग्रेस नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोग थे उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई, बल्कि स्वदेशी आंदोलन उन्हीं की तरफ से आगे आया और बायकॉट शुरू हुआ, पूरे हर जगह से स्कूल कॉलेज वगैरह का बायकॉट शुरू हुआ, थोड़ा सा वायलेंट भी हुआ मूवमेंट, और उसके बाद अंग्रेजों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि ये चीजें नहीं चल पाएगी। एक दूसरी बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जब ये फैसला लॉर्ड कर्जन ने लिया तो मुस्लिम समुदाय भी इसके पक्ष में नहीं था, इनको भी नहीं लग रहा था कि इस तरह से बंटवारा होना चाहिए, लेकिन बाद में कुछ मुसलमानों को लगा कि अगर उनका अपना एक सूबा होगा तो उसमें उनके इंटरेस्ट ज्यादा सुरक्षित होंगे, क्योंकि वो ये भी देख रहे थे कि बंगाल में जो हिंदू बंगाली हैं वो एक तरह की हिंदूवाद से भी ग्रसित हैं, एक तबका उनमें हिंदुत्ववादी भी था। ये भी एक सच्चाई है कि अगर इधर कम्युनलिस्ट थे तो उधर भी कम्युनलिस्ट थे, और उनको भी ये लग रहा था कि इस तरह से, तो ये एक इसकी एक पृष्ठभूमि थी जिसमें ये इस तरह से। फिर ये जो आंदोलन आगे बढ़ा इसने कांग्रेस को भी अंदर से विभाजित कर दिया था, एक गर्म दल एक नरम दल, और उनका आपसी टकराव और अलग अलग अधिवेशन में मुद्दे उठना, विरोध प्रदर्शन वगैरह वगैरह,
और उसको कैसे मॉडरेट तबके ने कंट्रोल किया। तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद जो हुआ विभाजन के बाद जो विरोध का की लहर चली वो किस तरह से चली। देखिए इसके जैसे मैंने कहा कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, राष्ट्रीय नेतृत्व भी इसके विरोध में था। ये केवल एक, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली जुली थी। एक तो बंगाली राष्ट्रवाद की बात आपने जो कही वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बंगाल के उस समय प्रतीक के रूप में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, कवि नजरुल इस्लाम, ये दो नाम बहुत ऊपर थे। वो भी एक प्रकार की उनमें आत्मीयता जैसे थी एक प्रकार से, और दूसरा पूरा देश भी देख रहा था। जैसे उस समय कहते थे ना, आज जो बंगाल सोचता है कल पूरा देश सोचता है, उसका कारण यही था कि वहाँ ब्रिटिश की कैपिटल थी, वहाँ एजुकेशन और रिनेसा की प्रक्रिया वहाँ सबसे ज़्यादा हुई, और यहाँ से भारतीय आज़ादी के आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है। जो अभी तक का चरण था वो पिटीशन और अपनी मीटिंग लीजिए, आप विरोध में लिखिए, वहाँ था। अब यहाँ से जन आंदोलन का एक दूसरा बड़ा रूप चल लेता है, और ये याद, हमें याद रखना चाहिए कि ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहता। इसकी जो आउटकम है, इसका जो विस्तार है, वो पूरे भारत में एक बड़े पैमाने पर होता है। नहीं तो सरल बात यह है कि अगर इतना बड़ा विस्तार नहीं होता तो अंग्रेज़ अपना निर्णय वापस नहीं लेते। अंग्रेज़ों को ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि अंग्रेज़ों को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। वहाँ से स्वदेशी की जो नींव आई, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जिससे अंग्रेज़ों को आर्थिक नुकसान और दूसरी चीज़ें होने लग गई। तो इसको इसलिए कहा जाता है कि भारतीय आज़ादी के आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत ये बंग भंग से हुई, और ये चरण आगे जाकर इसने पूरे राष्ट्र को, पूरे राष्ट्र में फैला। और उस पूरी जो चेतना, अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, राष्ट्रीयता की चेतना, अंग्रेज़ों को सबसे बड़ा डर जो था वो था कि जो राष्ट्रीयता की चेतना फैल रही है उस चेतना को बांटा जाए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मुस्लिमों का एक छोटा तबका होगा जो इसका समर्थन कर रहा था, पर ज़्यादा जो बड़ी मुस्लिम लीडरशिप थी देश भर की, वो भी इसके खिलाफ थे, हिंदू भी इसके खिलाफ थे। 1906 के बाद से फिर मुस्लिम सांप्रदायिकता अपने गहरे पैठ अपनाती है, तो फिर तो वो अपने स्वार्थ के रूप में देखती है और फिर दूसरी मांगों को रखती है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत की आज़ादी के आंदोलन में बंग भंग के कारण जो रिएक्शन आई, जो जनता की तरफ से प्रतिसाद आया, उसने भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत किया और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नए और व्यापक अवस्था पर उसको लेकर आए। जी, तो एक तरफ तो राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत किया, दूसरी तरफ विभाजन के बीच भी यहाँ बो दिए गए अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने बाद में कहा भी कि उन्होंने मुसलमानों को अलग किया है। तो वो उनके भले ही प्रशासनिक सुधार की बात कर रहे हों कि बहुत बड़ा उस समय देश का सबसे बड़ा राज्य था बंगाल, तो उसको तोड़कर प्रशासनिक ढंग से उसको सुविधाजनक बनाने की बात कर रहे हों, लेकिन उनके दिमाग में ये बात थी कि हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करो। तो ये एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन ये जिस तरह से इसका अंत हुआ उसने भी एक तरह के से जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है उसको मजबूत किया, क्योंकि जब विभाजन खत्म किया तो जो मुस्लिम थे ईस्ट बंगाल के, जो उस समय डिवाइड किया गया था, उनको लगा कि ये हिंदू तुष्टिकरण किया है अंग्रेजों ने, क्योंकि हिंदुओं की तरफ से दबाव था और हमसे हमारा जो एक प्रदेश मिला था वो अब हाथ से जा रहा है। तो एक चीज ये भी उससे जुड़ी थी, और ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इसलिए भी लाई कि वो मुसलमानों को खुश करना चाहते कि देखो हम मुगलों की राजधानी जहां थी वहां ले जा रहे हैं। हालांकि वो बंगालियों से बच के भागे थे, उनको लग रहा था कि ये सबसे ज्यादा ये कारण है। तो ये मानसिकता उस तरह से विकसित हो रही थी। ये बताएं कि 1911 में ये विभाजन रद्द करने का फैसला क्यों लेना पड़ा अंग्रेजों को? देखिए, मेरी समझ में मुख्य रूप से अंग्रेज़ों को एक बात महसूस हो गई कि पहला तो उनका जो उद्देश्य था सांप्रदायिक राजनीति को प्रस्थापित करना, वो 1906 में मुस्लिम लीग के बनने से और ढाका का उनसे आइडेंटिफिकेशन होने से वो एक थोड़ी मजबूत हो गई, और दूसरा जो राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया आई,
और जो राष्ट्र एक्चुअली उनका शुरू में यही बात थी कि राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, कलकत्ता राष्ट्रवाद का केंद्र है, बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र है, उसको दबाने के लिए उन्होंने ये कोशिश की। और वो देखते जा रहे थे कि इस मुद्दे को लेकर जो राष्ट्रवाद है वो तो लगातार और मजबूत होते जा रहा है, जो हमारे दृष्टिकोण से एक सकारात्मक चीज़ थी उनके दृष्टिकोण से एक बहुत विद्रोही चीज़ थी। तो इसके लिए उन्होंने लगा कि भाई अगर इसको हम वापस ले लें तो हो सकता है कि राष्ट्रवाद की जो यात्रा है उस पर हमें ब्रेक लगा के उसको थोड़ा सा रोक सकते हैं। ये उसके पीछे का मुख्य कारण था, क्योंकि उनको जहाँ तक डिवाइड एंड रूल का सवाल था, बांटों का सवाल था, वो तो काफ़ी तौर पर 1906 में जब वो ब्रिटिश ये मुस्लिम डेलीगेशन शिमला में गया मिलने वाइसराय को, तो उनसे तो उनकी स्थापना तो उन्होंने बराबर कर दी कि मुस्लिम साम्प्रदायिकता प्रस्थापित हो गई, हिंदू साम्प्रदायिकता समांतर चलेगी, तो उनका मुख्य उद्देश्य हो गया। और दूसरा मेरे ख्याल से जो राष्ट्रवाद की लहर इसने पैदा की वो उनके नियंत्रण के बाहर थी, और इसलिए उनको लगा कि अगर इसको हम वापस कर लें तो हमारे कुछ उद्देश्य पूरे हो गए हैं और फिर हम इसको शायद राष्ट्रवाद की आग को थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं। ये उनके पीछे का मुख्य कारण था। हाँ, लेकिन 1911 में ये विभाजन रद्द करने के बावजूद राष्ट्रवाद ठंडा नहीं पड़ा, वो इससे और मजबूत हुआ कि अंग्रेजों को दबाव में लाया जा सकता है, फैसले उलटवाए जा सकते हैं, और उन्होंने उनके हौसलों को और बढ़ाया भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया अगर आपको लगे कि इस मुद्दे पर आप कुछ और जानना चाहते हैं या आपके पास कुछ और जानकारी है या कुछ मन में सवाल है तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग विभाजन की राजनीति को समझ सकें, समाज को बांटने की जो कोशिशें होती हैं उसको समझ सकें, क्योंकि डिवाइड एंड रूल केवल अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं थी, ये हमेशा सत्ताधारियों की पॉलिसी होती है, आज भी हम देख सकते हैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।